नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का। और आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि टॉप 20 जीके के ज्योग्राफी के क्वेश्चन एंड आंसर, ये हिंदी में है दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो टॉप 20 ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से हैं, और इसके बारे में इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आप 20 क्वेश्चन को पूरा जान सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं? उत्तर है हिकेटियस। और हमारा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, यह है किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो इसका उत्तर है पॉलीडोनियम। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? इसका उत्तर है अनेकजी मेपडर ने। और हमारा चौथा क्वेश्चन आ रहा है, भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो इसका सही आंसर है माही नदी। और हमारा पांचवा क्वेश्चन आ रहा है जो है, गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है जलस्तर में विभिन्नता के कारण होता है। छठा क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर है लक्षद्वीप। हमारा सातवां क्वेश्चन जो आ रहा है वो है, कौन सी चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची है? तो इसका सही आंसर है सैडल पिक। अब हमारा आठवां क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। और हमारा नवा क्वेश्चन जो है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है झारखंड। हमारा दसवां क्वेश्चन जो है, बोरेन द्वीप किस राज्य प्रदेश में स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका उत्तर है अंडमान द्वीप। हमारा ग्यारहवां क्वेश्चन जो है, भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। हमारा बारहवां क्वेश्चन जो है वो है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी पर स्थित है। हमारा तेरहवां क्वेश्चन है कि मौसम की दशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है मीटरियोलॉजी। अब हमारा चौदहवां क्वेश्चन जो है वो है, मैगलम जल डमरू कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर प्रशांत महासागर है, दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच। हमारा पंद्रहवां क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? इसका सही आंसर है मालवा का पठार। अब हमारा सोलहवां क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। अब हमारा सत्रहवां क्वेश्चन है, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टियों के अध्ययन को पैडोलॉजी कहा जाता है। अब हमारा अट्ठारहवां क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई है। और हमारा 19वां क्वेश्चन है, मालवा पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती थी? इसका सही आंसर है काली मिट्टी। अब हमारा जो 20वां क्वेश्चन आ रहा है वह इस प्रकार से है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर है कायांत्रित चट्टान। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और भी अच्छी तरह तरह की इस तरह की वीडियो आपके लिए जीके का बनाता रहूं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।